सूर्य कुमार यादव, शुरुआत जिस तरीके से हुई थी थोड़े से सवाल जरूर उठे थे उनके ऊपर कि कमजोर टीमों के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर जब बिग मैच आता है फिर चाहे वो लास्ट ईयर का सेमीफाइनल हो, फिर चाहे लास्ट फाइनल हो, वनडे का फाइनल, T20 का सेमीफाइनल, वहाँ रन नहीं बने थे, पर अब पिछले मैच में जो उनकी साझेदारी रही, नहीं बनाया 50/47 थे और बहुत बढ़िया साझेदारी थी, उससे पिछले मैच में भी रन, तो चीज़ें बदली हैं। सूर्य कुमार यादव अब जैसा खेल रहे हैं गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि भाई एक आधा विकेट जल्दी गिर भी गया तो टेंशन नहीं है कोई? देखिए टीम ने इसी तरह क्रिकेट खेली है कि अगर विकेट गिर भी जाते हैं और जो स्टार्ट इतना बेहतर वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस देखें उसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी टीम ने आके अपने आप को संभाला, चाहे आखिर में आके अक्षर खेलते हैं, जडेजा खेलते हैं या कोई बैट्समैन भी आती है, जहाँ पर हार्दिक पांडे ने इतनी बेहतरीन इनिंग खेली, सूर्य ने खेली, तो एक थॉट प्रोसेस टीम का है और उससे शायद आने वाले बैट्समैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह का स्टार्ट मिला या नहीं मिला। हाँ, अच्छा स्टार्ट अगर मिल गया उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन सही कहा, सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतर खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अतुल भाई, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय था कि सूर्य बड़े मैचेस के अंदर बड़ा प्रदर्शन, क्योंकि इवेंचुअली आपको वही चाहिए होता है, क्योंकि 360 डिग्री प्लेयर है, बहुत थोड़ा रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर वो भी हो जाता है, कई बार आलोचना भी ज़्यादा होती है, और इसमें तो जीएस विवेक तो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हाँ जीएस, बताइए प्लीज़ आप। आकाश भाई, कहना नहीं, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूँ और आप सभी तीनों से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आपने बात यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की करी है, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि एक जगह पर एक प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम एरिया ये है कि हमने देखे कि दो मैचेस में शिवम दुबे का रोल स्पिनर्स आए तो वो उनके खिलाफ अच्छे और बड़े बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन दिक्कत ये आ रही है स्पिनर्स होने के बावजूद भी शिवम दुबे जब क्रीज पर आ रहे हैं तो स्पिनर्स बॉल नहीं कर रहे हैं। आज भी शबरेश तमसी और केशव महाराज गेंदबाजी करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है कि आप 3-4-5 पर उनसे ऊपर तो शिवम दुबे को भेज नहीं सकते हो, और अगर वो नीचे आते हैं तो तब तक ये दोनों स्पिनर्स के ओवर्स खत्म हो जाते हैं। तो एज अ गो इन फॉर दैट टेम्पटेशन कि हमें दुबे को ऊपर भेज दें, या फिर आपके बेस्ट प्लेयर जो कि फिलहाल ऋषभ है लेफ्ट हैंडर, 4 पर सूर्या 5 पर हार्दिक। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, क्योंकि अतुल भाई मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि ना अभी भी जो हमने जो देखे शिवम दुबे के आंकड़े, एक्चुअली उनके रन अभी भी विराट कोहली से बेहतर है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और एवरेज भी बेहतर है, पर विराट है, वो ओपन कर रहे हैं, उनसे आप रन की उम्मीद करते हैं। जो पिछले मैच में हैरान करने वाली बात थी वो ये कि दो स्पिनर काम कर रहे थे, एक तरफ से लियम लिविंगस्टन, दूसरी तरफ से आदिल राशिद, दोनों लेग स्पिन डालते हैं और शिवम दुबे को डिमोट किया गया, पहले हार्दिक जाते हैं फिर रविंद्र जाडेजा जाते हैं, yes. उसके बाद दुबे आते हैं, इसका yes. अर्थ क्या ये है कि भारतीय टीम को उन पे उतना विश्वास नहीं है और ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है? अगर आप अपने खिलाड़ी में विश्वास नहीं दिखाएंगे तो फिर तो जहन में भी आएगा, बदलाव भी कर सकते हो, फाइनल है तो क्या हुआ? देखिए, ऐसे मुझे लग रहा है कि स्टेपनी की तरह रखा हुआ, इंश्योरेंस की तरह, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल हो जाए। पर आप सही कह रहे हैं कि अगर शिवम दुबे ने आते ही अपने ओवर डॉट बॉल खेले बिना अगर बड़े शॉट नहीं लगाए तो वेस्ट है। सिर्फ आपको लगता है कि टेम्पटेशन है कि हार्दिक पांड्या जैसा जो आपका जडेजा जैसा जो है आपका स्ट्राइकर जो है वो उसकी कहीं वेस्ट ना हो जाए, और शिवम दुबे को अगर आपने खिलाया है तो इनसे ऊपर आना ही होगा चाहे कितने भी ओवर बचे हो। मुझे लगता है एक प्रॉपर्टी भी एक चीज़ होती है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपने खिलाया है। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई आपने उनको जिस रोल के लिए, उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं करनी, जडेजा ने करनी है, पांड्या ने करनी है, तो उनको ना तो आप बैटिंग जहाँ उनके लिए जिसलिए खिलाया वो उस पर विश्वास, तो एक्चुअली यू राइट, एक्चुअली थोड़ा सा डिफ्लेट हो जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आई मीन वो कई बार होता है ना पाजी, अगर आपने उतनी क्रिकेट नहीं खेली। देखिए, अगर विराट कोहली की बात करें, इतना एक्सपीरियंस है कि मालूम है दो बार गिरूंगा तो भी उठ के वापस चल पड़ूंगा, दौड़ने लगूंगा, लेकिन शिवम दुबे थोड़े से लो ऑन कॉन्फिडेंस अगर नजर आएंगे तो वो एक सवाल जरूर आता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। किसी ने वैसे चलते चलते कह दिया था कि कोहली को ड्रॉप कर दो, वो बात नहीं कर रहे, पर क्या पकड़ा हुआ है, मैंने नहीं, रखा हुआ है, उसको रखेंगे, हम पकड़ के रखेंगे उसको, लेकिन क्या, क्योंकि ये फाइनल है, क्या ये सिर्फ इतनी बड़ी वजह है कि इसके अंदर आप किसी भी बदलाव के बारे में ना सोचें? अगर आपको शिवम दुबे पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या ये एक सोचने लायक बात भी नहीं है कि आप संजू सैमसन को खिला लो या यशस्वी को खिला लो, यशस्वी ओपन करा के कोहली को 3 पे कर दो, क्या ये सोचना भी गलत है क्योंकि ये फाइनल है? नहीं, सोचने में कोई हर्ज नहीं है, सोचने में कुछ नहीं, लेकिन
वो अक्सर पिछले मैच में भी हम चर्चा कर रहे थे, जब तक कुछ ख़राब नहीं हुआ तो उसको ठीक करने की क्या ज़रूरत है। आपका टीम जीत रही है और इस कॉम्बिनेशन से जीत रही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर चेंज करते हो कुछ हो जाता है तो आज का मीडिया, आज का सोशल मीडिया इतना ज़ोर से आपके ऊपर आके पड़ता है तो समझ नहीं आती क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो चेंज क्यों करना। अतुल भैया की एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये जमाना जो इस तरीके से बदला है कि सोशल मीडिया वो शोषण मीडिया बन गया है, वो टॉर्चर करने आ जाता है लोगों को, लेकिन इज दैट मोर, मतलब वो उस पर इतना ज्यादा दबाव है कि अगर, क्योंकि कोहली ने रन नहीं बनाया, सी लेट्स बी ऑनेस्ट, रन नहीं बने हैं, अगर नहीं बने हैं तो नहीं बने हैं, दीपक दुबे के नहीं बने हैं तो नहीं बने हैं, तो आप जो टूटी हुई चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, टीम अच्छा कर रही है, वो हो सकता है और भी बेहतर परिस्थिति में हो अगर आप एक सही समय पे सही बदलाव कर दें। मुझे याद आ रहा है 2007 का विश्व कप का फाइनल यूसुफ पठान को ओपन करने भेज दिया गया था, 2011 का विश्व कप का फाइनल आशीष नारायण सेमी खेला था, इंजर्ड हुआ, श्रीशांत खेलते हैं वर्ल्ड कप का फाइनल। तो ऐसा नहीं है कि फाइनल में चेंज नहीं हो सकते, पर क्या चेंज होने चाहिए, क्या चेंज हो गया? आपने जो इंजरी का दिया वो तो मेरा एग्जांपल गलत है, पर चेंज मुझे लगता है कि इस करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो पॉलिसी बनाई है और T20 के, वो भी अगर लंबा मैच होता मैं समझता कि आपको डर लगता है कि भाई लंबा 5 दिन का मैच है, फॉर्म बड़ी ज़रूरी है, थोड़ी निगल भी हो जाए तो, पर छोटे मैच में मुझे लगता है कि आप सोचेंगे, जैसे पाजी ने कहा ना, सोचिए ज़रूर पर करिएगा मत, क्योंकि एक ही मैच बचा है। पर आप कह रहे ना कि ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो है टॉर्चर वही होता है जो ज़्यादा लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं उसकी चिंता करता है, तो अभी मोटी चमड़ी हो जाए हमारे जैसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपकी तो बात ही अलग है कतुल भैया, मतलब बाकी लोग भी अब तो आपसे, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। ये हमारे सवाल, रोहित शर्मा ने चौथे स्पिनर की बात की थी, क्या आज मिलेगा मौका, क्योंकि उन्होंने बोला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे पता है मैं क्यों खिला रहा हूँ, चार लेके जाना चाहता हूँ, चार, यू गाइस डोंट नो, मैं बताऊंगा, तो चार लेकर तो गए, चहल को अभी तक नहीं खिलाया। क्या केशव महाराज पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन पाजी, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, फिंगर स्पिनर होता है, तो रोहित शर्मा ज्यादा बड़े ओपनर हैं या ज्यादा बड़े कप्तान, अदर वे लाइक थोड़ा सा वो इमोशनल कनेक्ट वाला क्वेश्चन है, क्या ये रोहित और विराट का आखिरी विश्व कप है? वाओ, ओके, दैट्स अनदर बिग वन। अफ्रीकी खिलाड़ियों को आईपीएल के अनुभव का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे पहले हमें मिलता था काउंटी क्रिकेट का, आजकल विदेशी खिलाड़ियों को मिलता है आईपीएल का, तो काफी सारे बड़े बड़े सवाल हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।